आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मेरी सबसे फेवरेट शॉर्टकट की विंडोज़ कंप्यूटर के अंदर, कंट्रोल प्लस जेड। यकीन माने दोस्तों, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके आप कैसे कैसे जगह उपयोग कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। ये इतनी प्यारी की है। मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कंट्रोल प्लस जेड की अगर आप प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड द्वारा तो इससे अंडू होता है। अंडू हिंदी में अगर हम मतलब समझें तो पहले जैसा करना, यानी अगर आप कुछ भी गलत कर दिया और अगर आप उसको पहले जैसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड प्रेस कर लीजिए। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस की मतलब मैं कहाँ कहाँ इसका उपयोग करता हूँ, ये क्यों ज़रूरी की, ये बताने जा रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग इसका उपयोग MS Word और Excel के अंदर करते हैं, लेकिन इसका उपयोग 300 प्लस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है और ये बहुत ही मज़ेदार की है। तो क्या क्या उपयोग है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा डेमो बताता हूँ मैं क्या उपयोग करता हूँ और ये बहुत ही अच्छी की है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताता हूँ। इसके अंदर देखिए ये दो लेयर है, एक है ऑडियो लेयर 1, एक है ऑडियो लेयर 4। अब मैं जो ऑडियो लेयर 4 है वो 1 पे रखना चाहता हूँ, तो मैंने 1 पे रखी तो क्या हुआ कि जो पहले वाले की लेयर थी उस पर ये लेयर आ गई, और अगर मैं इसको वापस नीचे रख लेता हूँ नंबर 4 को तो जो पहले वाली लेयर वो कट गई। तो अभी ये किसी भी तरह सही नहीं हो सकती। इसको सही करने का एक ही तरीका है, कंट्रोल जेड दबाइए। तो देखिए दोनों लेयर हमें वापस मिल गई। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं, लेकिन कंट्रोल जेड द्वारा हम इसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसी जगह जहाँ कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये हमने एक ब्राउज़र खोला और कुछ टाइप किया है, अगर आपने कुछ गलती से बैक स्पेस दबाकर कुछ मिटा दिया है तो यहाँ पर इसको लाने के लिए दोस्तों कोई भी ऑप्शन वापस नहीं है। इसके लिए आपको कंट्रोल जेड दबाएंगे तो ये धीरे धीरे जो जो आपने मिटाया वो सभी के सभी आ जाएंगे। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कंट्रोल जेड करने से ये सभी आ जाता है, यानी अंडू करने से। इसके अलावा देखिए एक और मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। जैसे आपका ये कंप्यूटर है और इस फोल्डर आपने फोल्डर बनाया ठीक है, और इसके अंदर कुछ और फोल्डर या गाने डाल दिए, गलती से आपने डिलीट बटन प्रेस कर दिया और ये डिलीट हो गया। अगर आपको इसको लाना है और आप रसायन बिल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर ये तो भी एक ही लेकिन खूब सारे फोल्डर है, यानी 100, 200, 500 फाइलें पड़ी है, क्योंकि रसायन बिल के अंदर बहुत सारी फाइलें होती है। तो अब उसको लाने के लिए बस कुछ मत कीजिए, कंट्रोल जेड दबा दीजिए, वो फोल्डर वापस आ जाएगा। तो ये बहुत ही मज़ेदार शॉर्टकट की है दोस्तों, कंट्रोल प्लस जेड। अगर मुझसे पूछा जाए कंप्यूटर सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की कौन सी है, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड का नाम लूँगा, क्योंकि ये की दोस्तों एक वरदान की तरह है। कुछ भी डिलीट हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए, बस इसको प्रेस कर लीजिए। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको लोगों को पता होगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है, सभी जगह काम आती है, सभी सॉफ्टवेयर के अंदर। कभी कुछ भी गड़बड़ हो जाए कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कीजिए, आपकी सब समस्या को ये ठीक कर देगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।